हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो। और आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखाऊंगा मेरे स्किल्स में। मैं एक साल पहले किस तरह से हेयर और बियर्ड को ड्रॉ करता था और आज का डेट पे मैं किस तरह से हेयर और बियर्ड को ड्रॉ करता हूँ। मैं खास आप लोगों को समझाने के लिए और दिखाने के लिए मैंने वही फ़ोटो को सिलेक्ट किया है। ये दोनों फ़ोटो में से एक फ़ोटो ऐसा है जो मैंने एक साल पहले ड्रॉ किया था और एक फ़ोटो ऐसा है जो मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया है। होप सो आप लोगों को ये दोनों फ़ोटो में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले तो है शेडिंग, इसमें बिल्कुल भी शेडिंग नहीं है। उसके बाद है शार्पनेस, बिल्कुल भी शार्पनेस भी नहीं है। दोनों फ़ोटो में आप लोग काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। और जो मैंने फ़ोटो रिसेंटली ड्रॉ किया है उसमें मैंने ऑलरेडी फेस और नेक को शेड करके रखा है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं किस तरह से इसका हेयर और बियर्ड को ड्रॉ करता हूँ। और ये फेस और नेक को मैंने टॉम्बो मोनोग्राफर पेंसिल से शेड किया है। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं वीडियो को एंड में आप लोगों को बताऊंगा मैंने जो एक साल पहले जो स्केच ड्रॉ किया था उसमें मैंने कौन सा टूल्स यूज़ किया था और आज मैं कौन सा टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं माउस टच को स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सकुरा मैकेनिकल पेंसिल। यह है सकुरा 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल और इसके अंदर जो लेड है वो है पेंटेल ब्रांड का पेंटेल 2B लेड। आप एकदम अच्छे से देखो मैं किस तरह से अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ एकदम लाइटली। आप लोगों को भी ठीक इसी तरह से स्ट्रोक्स लगाना है। अभी मैं मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ये ग्राफाइट है ये थोड़ा बहुत फैल जाए। ये एक नॉर्मल मेकअप ब्रश है जो आप लोग को इजीली आपका लोकल कॉस्मेटिक स्टोर में मिल जाएगा। और अभी मैं दूसरा ग्रेड का मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ये है सकुरा 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल और इसके अंदर जो लीड है वो है पेंटेल ब्रांड का पेंटेल 4B लीड है इसके अंदर। और एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मैकेनिकल पेंसिल ये थोड़ा सा थिक है एज कम्पेयर टू दैट। और आप देखो ध्यान से किस तरह से मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ एकदम लाइटली। आप लोग एकदम ध्यान से देखो मैं कौन सा जगह पे कौन सा पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ठीक इसी तरह से बियर्ड को ड्रॉ करना है। और एक बात, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आप लोग को कभी भी ये पेंसिल्स रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग चाहे तो नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल को अच्छे से शार्प करके भी आप बियर्ड को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज़ आप लोग ये सब हाई क्वालिटी टूल्स मत यूज़ करो। और स्ट्रोक्स देते वक्त आप लोग को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी स्ट्रोक्स दे रहे हो आप लोग को एकदम एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को देना है। आप लोग थोड़ा बहुत उसे कर्व कर सकते हो लेकिन स्ट्रोक्स आप लोगों को हमेशा एक ही डायरेक्शन में देना है। ऐसा कोई बात नहीं आप लोग स्ट्रोक्स अभी एक डायरेक्शन में दे रहे हो तो दूसरा स्ट्रोक आप
दूसरा डायरेक्शन में दोगे। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना। आप लोग जब भी स्ट्रोक्स दे एकदम एक ही डायरेक्शन में आप लोग स्ट्रोक्स दो। आप थोड़ा बहुत कर्व उसे कर सकते हो लेकिन आप लोग एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स दो। अभी आप लोगों का ये माउस्टैच और बियर्ड जो है धीरे धीरे रियलिस्टिक दिख रहा होगा। इसे कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट एक घंटे के ऊपर लग गया टाइम। आप लोग एकदम अच्छे से देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, मैं कौन सा जगह पे लाइटली स्ट्रोक दे रहा हूँ, कौन सा जगह पे थोड़ा बहुत डार्क स्ट्रोक दे रहा हूँ। आप लोगों को भी ठीक इसी तरह से इसे देना है। अभी मैं दोबारा से मेकअप ब्रश से थोड़ा बहुत ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ग्राफाइट ये फैल जाए और हमारा जो बियर्ड है ये और रियलिस्टिक दिखे। अभी बियर्ड कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेयर से। मैं हेयर को भी ठीक उसी तरह से स्ट्रोक दे रहा हूँ वही मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके। जैसे आप लोग दिख रहा है ये हेयर थोड़ा बहुत कर्ली है तो आप लोग काफ़ी कर्व भी देखने को मिलेगा। आप लोग एकदम अच्छे से मुझे फॉलो करो मैं किस तरह से इसे स्ट्रोक दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो रूट वाला पोर्शन है ये थोड़ा बहुत लाइट होता है, इसीलिए मैं अंदर की तरफ वही 2B 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रोक दे रहा हूँ और अभी मैं बाहर की तरफ 4B मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रोक दे रहा हूँ जो कि काफ़ी डार्क है। और अभी मैं इसे ब्लेंड करूँगा ताकि हमारा जो ग्राफाइट है ये फैल जाए। अभी हेयर का बाकी पोर्शन को भी मैं ठीक उसी तरह से स्ट्रोक्स लगा के शेड करूँगा। आप लोग एकदम अच्छे से देखो। अभी ये जगह को थोड़ा और डार्क दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो 4B ग्राफाइट पेंसिल जो कि काफ़ी डार्क है और इसी से मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ।
अभी सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एट द एंड डिटेलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर। इससे मैं थोड़ा बहुत हाइलाइट्स दे रहा हूँ। तो फाइनली मेरा जो स्केच है ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये स्केच पे काफ़ी स्मूथनेस दिख रहा होगा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ में रिवाइंड करके बताता हूँ मैंने इसे कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा टूल्स का यूज़ किया था, हेयर वगैरह के लिए, फेस के लिए। सबसे पहले जो है ये टॉम्बो मोनो ग्राफाइट पेंसिल्स जो कि मेरे पास 4H से लेके 6P तक सारा है। अभी आपके सामने जो ये है टॉम्बो 4H और 2H, जिसके हेल्प से मैंने ये फेस को शेड किया है। और आई का डिटेलिंग वगैरह के लिए, आई, नोज़, माउथ वगैरह डिटेलिंग के लिए मैंने ये सकुरा मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ किया है। एक है सकुरा 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल, एक है सकुरा 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल जिसके अंदर पेंटेल का लीड है, पेंटेल 2B और पेंटेल 4B का लीड। उसी का हेल्प से मैंने आई वगैरह को कम्प्लीट किया था। जितना भी आई का डिटेलिंग है, आई, फिर नोज़, फिर माउथ का डिटेलिंग्स मैंने सारा उसी से कंप्लीट किया था। अभी जो है माउथ टैच की बात करते हैं। माउथ टैच, फिर बियर्ड वगैरह जो है जितना भी, मैंने सबसे पहले यही 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल से फर्स्ट लेयरिंग दिया था। इससे मैंने स्ट्रोक्स दिया था एकदम लाइटली। उसके बाद मैंने ये वाला 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल, इससे मैंने डार्क स्ट्रोक्स दिया था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, थोड़ा बहुत कर्व था। फिर किसी किसी जगह पे मैंने ये टॉम्बो ग्राफर पेंसिल यूज़ किया था। ये जगह पे मैंने टॉम्बो ग्राफाइट पेंसिल यूज़ किया था जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। ये जगह मैंने यही पेंसिल यूज़ किया था, टॉम्बो मोनो 100 ग्राफाइट पेंसिल जो कि 4B ग्रेड का है। सो इसी टूल्स का मदद से मैंने ये पूरा फेस को कंप्लीट किया है। सो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने जो ये स्केच आज किया है, अभी मैंने इसे एक साल पहले भी किया था, तो अभी मैं उसके साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ये दो स्केच जो आप लोगों को दिख रहा है, इसमें से जो ये स्केच है इसे मैंने कंप्लीट किया था पिछले साल, और अभी मैंने कंप्लीट किया ये वाला स्केच को। और होपफुली आप लोग काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा ये दोनों फेस में। सबसे पहले बात करते हैं शेडिंग का। मेरा जो मैंने स्केच आज किया उसमें कितना सारा शेडिंग मैंने किया, और पिछले वाला साल मैंने एकदम भी शेडिंग नहीं किया था, तभी मुझे आइडिया भी नहीं था शेडिंग क्या होता है उतना। और जो आई वगैरह थोड़ा बहुत है उसको मैंने डिटेलिंग्स वगैरह किया था, लेकिन फेस पे बिल्कुल भी शेडिंग नहीं था। आप लोगों को ये बियर्ड में कितना शार्पनेस दिख रहा होगा आज का जो मैंने स्केच कंप्लीट किया। और पिछले साल मैंने जो बियर्ड ड्रॉ किया था उसमें बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है। जो हेयर ड्रॉ किया था उसमें एकदम से मैंने डार्क कर दिया था, आप लोग देख सकते हो। ये सिर्फ एक साल का डिफरेंस है, सिर्फ एक साल का डिफरेंस। अभी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया है मैंने जो ये आज का स्केच इसके लिए कौन कौन सा टूल्स यूज़ किया था, ये सब टूल्स। और ये जो स्केच है इसके लिए मैंने यूज़ किया था ये सारा टूल्स। सिर्फ ये दो पेंसिल से मैंने ये कंप्लीट किया था इसे। सबसे पहले जो एक है आर्टलाइन 4B पेंसिल जिससे मैंने आई वगैरह बनाया था, और हेयर जो मैंने कंप्लीट डार्क कर दिया था आर्टलाइन 10B से। और आप लोग देख सकते हो मैंने कितना डिटेलिंग किया रिसेंटली, और पिछले साल मैंने एकदम भी डिटेलिंग नहीं किया था। और इसे मैंने किया था नॉर्मल प्रैक्टिकल शीट्स पे, और ये वाला स्केच मैंने आर्टो शीट में किया। जो मैंने आज किया इसे मैंने आर्टो शीट में किया, आर्टो 180 GSM शीट पे, और पिछले साल मैंने प्रैक्टिकल शीट में उसे किया था। अभी आप लोग देख सकते हो एक साल में मेरा स्किल्स में कितना डिफरेंस आ गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने स्केच आज किया है ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है। जो मैंने स्केच पिछले साल किया था और जो आज किया इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये सब कंप्लीट हुआ है सिर्फ प्रैक्टिस के कारण। अभी काफ़ी बिगिनर्स सोच रहे होंगे कि मैंने हाई क्वालिटी टूल्स यूज़ किया इसके कारण ही मेरा ये स्केच अच्छा बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल लो क्वालिटी पेंसिल से भी काफ़ी रियलिस्टिक फ़ोटो बना सकते हो। जो सबसे मेन चीज़ मैटर करता है वो है आपका स्किल्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका स्किल्स उतना अच्छे से इम्प्रूव होगा, यही मेन चीज़ है। एट द एंड मेरा बिगिनर्स को यही कहना है, आप लोग कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। आप लोग ओनली प्रैक्टिस करते रहो और हमेशा अपना बेस्ट दो।
कभी भी जल्दबाजी मत करो, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों को एक ना एक दिन आपका काम में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपना फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को मेरा इम्प्रूवमेंट कैसा लगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नया और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।